मैंने कहा था जो मैं कहता हूँ वेलकम करो। चलो यार एक लोगों की तस्वीर बन लेते हैं। वेट करना बेटा एक मिनट, वेट 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 कीजिए प्लीज। पटी साहब पटी साहब चलना तो पड़ता है, फोटो घुमा लो एक पटी साहब ना हो ना। सो जस्ट रिलैक्स। शौकत साहब से मेरी सारी जिंदगी दोस्ती रही, रेडियो फिर उसके बाद टेलीविजन आ गया, फिर फिल्म आ गई। लंबी बात नहीं करूंगा, एक शेर है कि पिछले लोगों की याद आती है, पिछले लोगों की याद आती है जब अकेले सफर नहीं होता। शौकत अली चला गया, वो हमारी यादों में है, उसकी लेगेसी, उसके ये बच्चे। मोहसिन से वहां से कैनेडा से फोन पे बात होती रहती है। ये जो यहाँ आए ये भी मेरे लाडले, मेरे सामने ये बड़े हुए। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने लेजेंड जो चले गए वो भी, और जो मेरे हयात है अल्लाह इनको उम्र खिजर अता करे। ये मैडम मुमताज बैठी है, ये भी अब कैनेडा में होती है। त्याई का मुंडा बैठा अनवर रफी है, थज मैं बुढ़ा हो गया, अजय भी मुंडे का मुंडा है। और खाकान साहब बैठे, और बिशुमार अहबाब जुल्फी साहब है, बिशुमार सारे के सारे, में किसी का नाम अगर नहीं ले पाऊँ। आज हम उनको याद कर रहे हैं, इसको कोई ताजियती रेफरेंस मत समझिएगा। आज हम याद कर रहे हैं मिलकर उनको, वो हमें मौजूद हैं, वो सुन रहे होंगे हमारी बातें। जो यादों में होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं अल्लाह, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। बहुत बहुत अच्छे आए फोक सिंगर, बहुत बहुत आला क्लासिकल भी उन्होंने किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट होती नहीं। उस लय तक, उस काले तक गायका कौन, कौन गायका है, किसी में स्ट्रेंथ थी तो उनके साथ सारी जिंदगी 55 साल से भी ज़्यादा उनके सफरे आखिरत तक उनके साथ रहे। जब हॉस्पिटल गए उनके पास तो वो ये नदीम बैठा, जोजी बैठे थे, ये भी मेरे बाल ने, ये भी हूँ बड़े हो गए हैं, इन्हों के बड़े भी साढ़े यार सन सारे दे। तो सो अल्लाह भी उनके दर्जात बुलंद करे, और हमें ये रिवायत रखे कि हम अपने लोगों को, जो कौमें अपने लेजेंड्स को भूल जाया करती हैं, वो कौमें भी ज़मीन पे नहीं रहती हैं, उनको भी लोग भूल जाया करते हैं। जो चले गए उनको भी याद रखें, और जो मौजूद हैं उनकी कदर करें, और उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें। एक शेर अपना आप सबकी नज़र करूँगा कि मुश्किल नहीं है यूँ तो खुदाई की मंजिलें, मुश्किल नहीं है यूँ तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से। थैंक यू वेरी मच। अशनाई को लो किसे नहीं पाया, कूड़ चलाया तो हर गुच्छा जख्माया। तुसो जस्ट रिलैक्स, बेटी बड़ी हो गई ठीक हो जाएगी, जो प्रॉब्लम ए अपने पता मैं कौन है, दादा ने पता है, अम्मी ने दादी ने नहीं पता मैं कौन है। एक चाहिए जो नवी नवी बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। जिस शख्स के बारे में हम सारे यहाँ आज एक शाम मना रहे हैं, मेरी इनसे जिंदगी की पहली मुलाकात, मेरे मुल्क में टीवी शीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो पाकिस्तान लाहौर होता था। सबसे पहले मैंने इनको हेली कॉलेज में सुना था, जब इनकी तवज्जो फोक से ज़्यादा गज़लों पर हुआ करती थी, और एक गज़ल अनवर रफी तेरे तो याद होगा, ये गज़ल का अर्थ भी कि सोच गम दे के मुझे, उसने ये इरशाद किया जा तुझे कश्मीर से बहर से आज़ाद किया, बहुत उमदा गाया करता था।
लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने फोक में शौकत अली बर पाकिस्तान का पहला फोक सिंगर है जिसने इंटरनेशनली लोगों को बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बकिया साहब इनके बाद थे, लेकिन ये कैसा मुल्क है, शौकत अली साहब का गाया हुआ गाना एक, ये भी कुछ 40-45 साल पहले की बात है, कराची के दिनों की, उन दिनों में एडवर्टाइजिंग के शोबे में वहाँ होता था, तो एक हमारे सिंगर है, वो भी दोस्त आपके भी होंगे, मेरे भी आजकल अमेरिका में होते हैं, अमजद हुसैन, उन्होंने शौकत साहब का ये कंपोजिशन गा के तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको पहले मिला था, और हमारे मुल्क में जैसे मैंने कूड़ों वाला शेर, उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया है, अकबरा फिल्म जो मैंने नेपाल में बनाई काठमांडू में, और बड़ी यादें हैं उनसे, सुषमा शाही और उनपे एक गीत पिक्चराइज हो रहा था, आवाज आ रही है, एक गीत हम पिक्चराइज कर रहे थे काठमांडू में नेपाल में, शौकत साहब और सुषमा शाही, बाद में सुषमा शाही पाकिस्तान आ गई, यहाँ पे उन्होंने शादी भी हमारे सीनियर थे इकबाल किशमी साहब रही भी यहाँ पे, तो वहाँ पे वो पुलिस कमिश्नर काठमांडू की वाइफ थी, इतनी बड़ी, यानी कि देखें बस अपने नसीबों की बात है, तो वहाँ पे जो गाना पिक्चराइज कर रहे थे वो एक पहाड़ी इलाका था, तो उसके कुछ कदम लड़खड़ाए इनके ना शौकत साहब के, तो उन्होंने सहारा लिया उसका, उसके बाद उस खातून का जो मैंने देखा गुस्से का आलम, शौकत साहब ने मेरी तरफ देखा, शरीफ आदमी, नहाय शरीफ आदमी और प्यार करने वाला, मैं बड़ा उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा रोके शूटिंग, फिर उस खातून की जो मैंने इज्जत अफजाई की वो भी भयानक थी, मैंने कहा आपको पता है ये बंदा कौन है, ये बैन अल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की पहचान है शौकत अली का, पाकिस्तान को उस बंदे की वजह से पहचाना जाता है, हमने तो देखा एक दफा मैनचेस्टर में थे, सॉरी बर्मिंगम, तो एक वो ये सरदार लोग हमारे पास आए, वहाँ का एक और भी वाक्य है, सुल्तान है, सभी हम लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुछ सिख बरादरी आई, तो वो आके ना बड़ी उन्होंने खातर तवाज़ा की, और सुल्तान राय साहब की बड़ी उन्होंने मिन्नत समाजित की कि एक खाना हमारे साथ खा रहे, बात दूसरी तरफ चली गई, बहरहाल चले गए उधर, तो वो जो सरदार थे पत्नी गोविंदर सिंह क्या नाम था उनका, तो उन्होंने अपना जो एक बहुत बड़ा उनका वो था रूम, उसको खोला तो हर तरफ सुल्तान राय साहब की फिल्म, उन दोनों कैसेट का जमाना था इसका वीडियो, तो हर फिल्म उनकी थी, उन्होंने कहा लाला जी देख लो कोई ताड़ी फिल्म काटते नहीं कि साढ़े, ये है। और मुझे याद है कि मैं एक दफा मनोज कुमार साहब के पास मिला, उनके कुछ बुक्स मैंने देनी थी, तो मैं क्या, मैं बड़ा परेशान था कि अब ये बंदा हर फिल्म में भारत बनता है तो ये पता नहीं क्या होगा, खैर मैं चला गया, अकील रूबी साहब ने कुछ बुक दी थी तो उनको देनी थी, जब मैं गया तो वो एक नौकरानी आई बाहर, तो मैंने उनको बोला जावेद रजा, तो वो गई फिर वापस आए, तो यकीन जाने मेरी दुनिया ही बदल गई, कहते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पाकिस्तान तो वहां आ गया, वो आदमी जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, मैं तो परेशान हो गया, और जब अंदर गए तो कहता मैंने सुना ओ मैक्रो रोड से जरा होटल थी जिते बहने था किंग सर्कल, ओदी सुना मुनवर दीर की सुना, तो बात आई शौकत साहब पे, शौकत साहब का वहां पे जिक्र आया, कहता यार वो बड़ा बड़ा सिंगर पंजाब का, तो ये हर जगह जहां भी गए इन्होंने अपना नाम किया, और इसी तरह हमने भी जिधर देखा है शौकत जी इतने प्यार करने वाले, इतने मैं कहता हूँ बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही इत्राम करने वाला, जब भी मिला तो झुक के मिला, जिसको भी चाहे कोई छोटा भी उसको भी झुक के मिला, तो एक वाक्य जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि शौकत साहब की बात है तो उसी पे करते, बातें तो बड़ी हैं, मुमताज बेगम बैठी हैं, सुल्तान राय साहब, मेरी जब पहली फिल्म हुई वीजा दुबई था तो मैं गया, उन दिनों राय साहब काफी पैसे लेते थे, मैंने क्या प्रोड्यूसर का बजट बना के दो, मैंने आधे पैसे लिखे हुए, अब उन्होंने कहा नहीं एंड है अल्लाह एक है।
एंड यहाँ पे आगे क्या लाइक है, मैंने उससे भी काम लिखे हुए थे। खैर जी वो चित्र बितर बात होगी, प्रोड्यूसर भी बाहर, राइटर भी बाहर, कैमरामैन भी बाहर। मैंने कहा सुल्तान रही सबसे, मैं कह लाला जी पेंसिल कागज है, कहने हो कि करना ही, मैं कह मंगवाओ तो सही, वो कहने तू करना की है, मैं कह मैं लिख रहा है कि तुसी नहीं चाहते मैं डायरेक्टर बन जावा, क्योंकि रोल ही ताड़े तरफ आया सी और मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ तो तुसी मेरी मौत तो बड़ी लुमाए कहते और मेरे प्यो और जो तू लिखे हुई मंजूर है। इसी तरह ये बैठी मुमताज बेगम, ये फिल्म की हीरोइन थी, क्या हाँ की लिखाई, मैं कही चल जो भी लिख दिता है, ये रिंग लोग बैठे हुए दुर्दाना बैठी है, ये भी फिल्म में थी, तो मैं कह दुर्दाना जो लिख देता है सो लिख देता है। तो बहरहाल एक बड़ा यादगार जो वाक्य जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, हम जब वापस आ रहे थे तो लखनऊ के ऊपर से प्रवास कर रहा था त्यारा, तो ऊपर भी व्हाइट कलर के ये थे बादल और नीचे भी पहाड़ भी व्हाइट थे और त्यारा ऐसे 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 वो फंस गया। उसने कहा जी कलमा पढ़ ले, यकीन जाने बा खुदा मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, कलमा पढ़ना शुरू, मैं क्या अपना शौक सा हूँ कलमा पढ़िए, कहना यार पढ़ ला फिर क्यों हो सकता है जो अल्लाह ने मंजूर रहेगा है, तो यकीन जाने हमने कलमे पढ़े, बहरहाल अल्लाह ने जिंदगी देनी थी, वो सफर भी कट गया मगर यादें छोड़ गया। तो शौकत साहब के लिए जितने मेरे और भी दोस्त बैठे हुए हैं, जुल्फी साहब बैठे हुए हैं, जनाब खाकान साहब बैठे हुए हैं, तो ये तो मैं कह बैठा हूँ इधर के लिए, मेरा यार जलाल रिजवी और अनवर रफी कलकत्ते वाले हैं, वो बैठा मेरा छोटा भाई नवाज, समझ गया ना। हाँ चले बड़ी बड़ी मेहरबानी, मेरे बाकी भी दोस्त बैठे, ये मेरा एक बचपन का यार है, इसने बाल सफेद कर लिए मेरे काले रह गए, राशिद महमूद देख लो ये फर्क है दिलों का है। बाकी अगर किसी का मैं बोल गया, हाँ निसार सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ अगर वो बैठे हुए तो। हाँ जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मैंने टाइम लिया, बातें बड़ी हैं यादें भी बड़ी हैं इंशाल्लाह, थैंक यू सर। शाकर साहब का भी शुक्रिया और वो मेरे जो हैं टाइगर बाबू, हाँ चिन्नीओट वाले के बम्बई वाले कलकत्ता वाले सबका मेरा सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी फजूल सी बातें सुनी हैं, बस थैंक यू।